बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह टॉस यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, 100 cc तेज़ रफ्तार लोडर रिश्के के डिस्क ब्रेक खराब हो जाए, डिस्क ब्रेक का प्रेशर बना जी दोस्तों, बहुत ही आसान बहुत ही थोड़े टाइम में जी दोस्तों आप अपनी गाड़ी का प्रेशर बना सकते हैं। जो ब्रेक पैडल है वो अपने लेवल पर ले आ सकते हैं, जो ऊँचा कर सकते हैं जी दोस्तों, प्रेशर भी सही रहेगा और पीछे से व्हील भी बिल्कुल रवान रहेंगे जी दोस्तों, व्हील भी जाम नहीं होंगे। तो सब देख सकते हैं आप, पैडल का जो पोजीशन है वो बिल्कुल लूज़ है, इसको जी दोस्तों टाइट करना हो हमने, पैडल को ऊँचा करना हो उसको क्या तरीके का जी दोस्तों। जी दोस्तों, डिस्क ब्रेक के बारे में आज हम आपको मुकम्मल डिटेल देने वाले हैं जी दोस्तों। अब देखा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरे आने वाली हर नई वीडियो तक पहुँच सके जी दोस्तों। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 19 नंबर की गोटे डाड की मदद जी दोस्तों, जो व्हील एक्सल के नट है वो आपने चारों खोल लेने हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो व्हील है खुल के बाहर आ चुका है, जो डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर है आप देख सकते हैं व्हील बिल्कुल फ्री घूम। तो जी दोस्तों, प्रेशर बनाने के लिए सबसे पहले जो ब्रेक आयल की कैन है उसको हमने फुल कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रेक आयल की जो कैन है, ब्रेक आयल के फुल हो चुका है, आप देख सकते हैं ब्रेक पैडल बिल्कुल लूज है जी दोस्तों। अपने 2 से 3 मरतबा जो ब्रेक पैडल हमने दबाना है, तो आप देख सकते हैं ब्रेक पैडल दबाने के बाद ब्रेक पैडल टाइट हो चुका है। ब्रेक पैडल टाइट होने के बाद जो हवा वाली निपल जी दोस्तों आपने पीछे से वो खोल लेनी है। जो निप्पल खोलने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्रेक आयल है वो लीक हो रहा है। तो जी दोस्तों, निप्पल खोलने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्रेक आयल है बिल्कुल बाहर निकल चुका है, जो उसकी हवा है वो ब्लीड हो चुकी है दोस्तों। आप ब्रेक पैडल भी देख सकते हैं बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो ब्रेक पैडल नीचे जाने के बाद दोस्तों पेचकस की मदद से जो इसका प्रेशर पिस्टम है आपने उसको पीछे हटा देना दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो प्रेशर पिस्टम है वो पीछे हट रहा है, जो हवा है उसके अंदर वो बिल्कुल बाहर आ रही है प्रेशर की मदद से दोस्तों। तो अपने मुकम्मल जो प्रेशर पिस्टम उसको पीछे हटा देना। तो पिस्टम पीछे हटाने के बाद आपने जो हवा वाले टी है 10 नंबर की चाबी की मदद से अपने टाइट कर देनी है। तो जी दोस्तों, निप्पल टाइट करने के बाद आपने 2 से 3 मरतबा दोबारा से पैडल दबाना है। आप देख सकते हैं जो प्रेशर पिस्टम है वो बाहर आ चुका है, प्रेशर बन चुका है, जो डिस्क ब्रेक है अपने पोजिशन पर बिल्कुल टाइट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हील भी बिल्कुल रवा है और डिस्क ब्रेक अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आपको पैडल भी चेक करवा देते हैं जी दोस्तों, तो पैडल भी आप चेक कर सकते हैं, पैडल भी बिल्कुल टाइट हो चुका है, डिस्क ब्रेक बिल्कुल बन चुकी है। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरी आने वाली हर नई वीडियो तक पहुँच सके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।